Sasa, how is it? So, hello guys, once again, welcome back to my YouTube channel, to my new vlog. So, guys, मन में थोड़ा पेन फील हो रहा है मेरे को अभी, बिकॉज ये जो बाल मैंने बनाया था ना एक दो महीने पहले, कि मैं इस हेयर कलर की से एक वीडियो शूट करूंगा सोच के मैंने बनाया था, बट जैसे कि गाइस आप लोगों को तो पता है कि मेरा लाइफ में कुछ हर बार उल्टा पुलटा होता है, यू नो, लेकिन मैं कुछ और प्लान कर रहा था, कुछ और हो जाता है, तो गाइस फिर से अभी वही हुआ मेरे साथ, तो इस हेयर कलर के साथ मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अभी हाल ही में दो तीन दिन के बाद मेरा बुइशू के लिए म्यूजिक वीडियो शूट करना है ना, सो ऑब्वियसली बुइशू वगैरह ट्रेडिशनल गाने वगैरह में ये जो नीले पीले हेयर कलर के साथ शूट करना तो शूट नहीं करता, इसलिए मैं अभी फिर से ब्लैक कलर करवाने के लिए जा रहा हूँ। अभी दुकान पर करूँ या फिर कलर खरीद के खुद डाय कर लूँ वो तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं, बिकॉज जाके दुकान में करने के लिए प्राइसिंग वगैरह जानना पड़ेगा, फिर तो मतलब दुकान में तो ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो सो एक कलर खरीदो 30-50 रुपए वाला खुद लगा लो, ये भी हमारे लिए तो चल जाता है, इसलिए अभी साथ में बैठा है हमारा सासा भाई, तो हम दोनों जाके अभी कलर खरीदेंगे फिर तो लगाएंगे। हम लोग मेरे ब्लॉग को आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं मतलब ये सब डालना ज़रूरी भी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ देख के मज़ा करते रहो लाइफ में, है ना, मेरा भी चैनल में कंटेंट की कमियाँ महसूस ना हो बस इन सब चीज़ों के लिए, एंड और तो और इट्स माय लाइफ स्टाइल ब्लॉग ना, तो मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि बुढ़ा होके मैं ये सब वीडियो देख के मज़ा करूँगा, इसलिए अच्छे मिलेंगे। अभी कलर खरीद के वापस आया रूम पे, मतलब मेरी रूम पे नहीं, अखिल रक्षा ट्रेन की रूम पे आया हुआ है, अभी उसकी रूम पे जाके कलर करवाना है, बिकॉज हमारा रेन में पानी की कम, नो वाटर। ये रहा कलर, देख पा रहे होंगे हमारा सासा के हाथों में अच्छा हुआ, ये भाई ने पिकअप करने के लिए आया, नहीं तो धूप में पैदल चलना होता हमको। ये तो नीले पीले रंग अभी काला होने वाला है गाइस, देखो ये लोग क्या कर रहा है भाई, आलसी लोग सोया हुआ है, गर्लफ्रेंड को मिस करके सोया हुआ है बंदा। और ये कलर अभी मेरे को उकील लगा के दे देगा, उकील yes. फूल फिर दी, चलो उठ जाओ। कलर लगाने के लिए छत के ऊपर आ रहा है टेरेस पे, वहाँ पे अच्छा खासा व्यू भी देखने को मिलता है, एंड थोड़े बहुत दोस्तों के साथ एंजॉय वगैरह भी हो जाता है, एंड क्या बोलो भाई धूप भी अच्छा खासा है, इसलिए आया गाइस है लोग। फाइनली गोइंग टू से गुड बाय टू माय नीले पीले हेयर कलर, गोइंग टू डाई न्यू हेयर कलर नाउ। कलरिंग हेयर फॉर न्यू एल्बम दिन मलाई मी सजाते बा अब कुवा मु कता फुदी बाहाला गाना गुलाना थापरे ना ताओ सराइस जान ब्रो फसा के त्रिगन मी बेजाल सी सोले सोले अब योग बाकी सा सोले अखन तमरो खौ ये ब प्रोफेशनल मु नगर संपाई थान मा दोला हा जते न संथा यान तमन जी आइ दे होइस्ती मा मा के खिम किनु बा होय रक्षा से कि रक्षा टेंशन ले गाइस देख पा रहे होगे ओ मोबाइल में भी कलर लग गया, हम ब्लैक हो गया, देख पा रहे होगे पूरा नीले पीले कलर वाला ब्लैक हो गया, फिर तो 5 मिनट वेट करना है, जो कि पैकेट में जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 5 मिनट वेट करने के बाद नहा के धो देना है, धोने के बाद तो पूरा अच्छा खासा साफ सफाई हो जाएगा। तो आखिरकार अब देख पा रहे होगे मेरे बाल का कलर ऑलरेडी
नीले पीले से ब्लैक हो गया एंड वी आर ऑल सेट रेडी फॉर आवर न्यू म्यूजिक वीडियो शूट। तो अभी हम ये तो दूसरा दिन हो गया है, मतलब जो हेयर कलर किया था वो एक दो दिन पहले था, है ना, शूट का दिन है। तो अभी हम हमारे क्रू मेंबर्स को वेट कर रहे हैं, एक्ट्रेस को वेट कर रहा है गाइस। सरप्राइजिंगली मैं मतलब क्या ही बोलूँ यार, नहीं बोलूँगा आपको अभी, ठीक है, बाद में वीडियो देखते रहना, मैं बोलता रहूँगा आप लोग देखते रहो। चलिए इट्स गोना बी समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, वर्किंग विद न्यू पीपल्स, विद न्यू आर्टिस्ट एंड क्या बोलूँ गाइस। हमने रेंट में गुट्टा पाल रखा है, देखो सिलम सिलम कमान बोले, देखो कमेंट करो गाइस ये पप्पी क्यूट है कि नहीं, बहुत नोटी है ये, इधर उधर दौड़ते रहता है, सुबह सुबह जागते रहता है हमको। टुडे वी विल नॉट बी हियर एट होम, ओके, वहाँ के लिए रहना, ठीक है, हम शूटिंग करके वापस आएंगे तब आपके लिए चिकन लेके आएंगे, ठीक है, समझ में आया अभी। ससा हो जाएगा सऊदी अरबिया जाए नहीं, सऊदी सऊदी अरबिया बेटल को भेजा लासे पूरा फेकूक लिया पूरा वायरस आवर यो इसे अरे नहीं बिस कहूँ। अभी हम घर से बाहर निकल के हमारा कैमरा मैन भैया कुशल एंड को आर्टिस्ट को वेट कर रहे हैं अभी। कई ससा जैसा लग रहा है बढ़िया ससा ऑन द बीच, हमारा लगेज यहाँ पे पड़ा है, सुबह सुबह काम पे निकलना अच्छा लगता है यार, मतलब इससे और सुबह होता तो अच्छा होता ड्यू टू सम पंक्चुअलिटी प्रॉब्लम्स, ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाया मैं तो उठाऊँगा, हमारा मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा लेट हो गया ना, इसलिए किलन अच्छे होने के लिए कुछ ना कुछ तो हो जाता है, लेट्स होप फॉर बेस्ट। ओके तो गाइस अभी आ चुका है गड्डी पे, ये बहुत लेट किया मैंने आपको 15 बार से ज़्यादा कॉल कर चुका है, ठीक है, देखा ना मेरा मिस कॉल लगभग 2-3 घंटे का सफर ऐसे ही होगा। वैसे मैं कल 3 बजे सोया था ताकि मैं गड्डी पे सो पाऊँ, मुझे पता है सफर बहुत लंबा, इसलिए फॉल स्लीप ना हो गया, बगावा पहुँच के मिलेंगे। तो गाइस आखिरकार पहुँच गए हमारी लोकेशन पे, मतलब मेरे ऑफिशियल चैनल पे ये जगह का ब्लॉग डाल रही है, 2021 को आया था मैं यहाँ पे दीदी रोमथन के घर पे। फाइनली मतलब जो बहुत सालों में मेरी सोच में वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट लेके घूम रहा था वो वाला सोच अभी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, विच मीन्स आई एम डूइंग ऑल थिंग्स विच आई हैव बीन ड्रीमिंग फ्रॉम बस मेनी ईयर्स बैक। हाय गदे फोन सारे फालतू का टाइम वेस्ट ना करके हमको डायरेक्ट ड्रेसिंग करना है, मेकअप वेकअप करना है, हमारा खजाना खोल रहा है अभी, ओपनिंग आवर ट्रेजर, लुक एट दिस खजाना, ये खजाना मिल दे, चलो दम रहा नहीं सजा मुझे
मेरा मेकअप हो गया खत्म। दीदी रंग थी एंड बाकी आर्टिस्टों का मेकअप चल रहा है थोड़ा बहुत। एंड अभी बज गया है 1, लगभग हमारा शूट शुरू कर पाएगा 2 बजे से मे बी। देखते हैं कितना तक कंप्लीट कर पाएंगे। आज कंप्लीट ना होने से तो कल भी तो करना पड़ेगा। फिर कोशिश तो कर रहे हैं कि हम आज ही एक ही दिन में निपटा लूँ शूट, जिसे मेकअप करते करते मेरा शर्ट भी गंदा हो गया। बाकी का क्रीम में मतलब सो रहा है। ससा उठी जाओ उठी जाओ, पूरा तुम्हारा घुमा रहे घुमाने लगे इस उसने बाबा भाई। उठी जाओ उठी जाओ। ससा ऑन द बीट दिन फोन को दे थी आ गया काम मतम नहीं दो आके सो लगे तेरे ले कुतर अच्छी दिया मान लो बोक तो हो गया। जाए दो जाए दो मक मक नहीं दो और जिन फर्स्ट सीन यहाँ का पूरा फर्स्ट सीन खत्म। नाउ वी गोइंग टू सी फॉर लोकेशन, जो कि ये पहला सीन है। तो गाइस अभी हम हमारा शूटिंग लोकेशन पे आए हैं। तो मेरे हाथ पे है ये हमारा ट्रेडिशनल सितार। मेरे लैंग्वेज में इसको सेंद्रा बोलते हैं, हिंदी में भी सितार है बोला होगा शायद। कम हियर गो टू साइड, नज़ारा दिखाओ। तो ये हुआ हमारा शूटिंग स्पॉट, शुरू से लेके एंड तक यहाँ पर होगा। बिकॉज बेसिकली हम बिशु फेस्टिवल में हम घर घर में जाके वो क्या बोलते राइस अंडा पैसा वगैरह वो सब मांगते हैं, ठीक है। बदले में मतलब हमको अंडा मिलता है, बदले में हम उनको नाच के दिखाता है। सो वही कल्चरल वाला सीन हम कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करके दिखाएंगे। बाकी का तो मैं आपको थोड़ा ये बजा के सुनाऊंगा। तो गाइस ये अच्छा लगा तो कभी जरूरत पड़ती मुझे हायर कर लेना, कम से कम पैसों में मैं आपका काम निपटा लूंगा। तो गाइस अभी 70% ऑफ शूट इज बीन कंप्लीट। मेरा जब भी शूट होता था तब लाइक मुझे खुद डायरेक्ट करना है वो सब थोड़े बहुत घर तक थोड़े बहुत समय लाना, इसलिए मैं व्लॉग अच्छे से नहीं बन पाता। फिर भी जितना हुआ मैं कोशिश करके आप लोगों को इतने सारे दिखाया। तो गाइस देख पा रहे हो गए अंधेरा है अंधेरा, लाइट्स का सेटअप अभी पूरा बंद, नाइट शूट कर रहे थे हम एंड इलेक्ट्रिक इज गॉन सो वी आर वेटिंग इट। लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है टाइम इलेक्ट्रिक को जाते हुए, कितने देर बाद आएगा वो तो ऊपर वाला को पता है। नाइट होएगा इस इतना मेहनत करने के बाद ना कुछ अच्छा रिव्यू फीडबैक्स वगैरह नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके फुल वीडियो आने से आप लोग खूब मजा करो, एंजॉय करो, शेयर करो, ठीक है। तो गाइस कल रात को मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया बिकॉज इतना नींद आया क्या बोलो। तो अभी ये दूसरे दिन का सुबह है, मतलब इस व्लॉग को कंप्लीट करने में मुझे 5 दिन लगा, ठीक है। तो वीडियो ऐसा है, आप लोग वेट कीजिए फुल म्यूजिक वीडियो का, मेरा ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिलेगा। टीजर बस 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। बस लेट्स कीप एंड होप फॉर द बेस्ट
Till then, thank you very much for watching my vlog. Till the end, ciao, we'll meet in the next vlog.